जो 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अनाउंस किया था, जो कि आत्मनिर्भर भारत की नींव बनेगा। मैं आपको बता दूं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और ये बता रही हैं कि आखिर उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्या कुछ आएगा। तो शुरुआत में मैं आपको पहले बता दूं कि इस आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ बताए जा रहे हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। शुरुआत में बात की उन्होंने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जिसके तहत ऑलरेडी 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो गरीबों तक पहुंच चुका है, जिसमें सभी हेल्थ वर्कर्स तक 50 लाख तक की इंश्योरेंस कवर जो है वो पहुंचाया गया है। उसके अलावा 80 करोड़ गरीब लोगों तक 5 किलो आटा और चावल जो है पर पर्सन अगले 3 महीने तक पहुँचाया जाएगा। 1 किलो दाल जो है हर एक घर में, जो भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंडर कवर होते हैं, उनके घर में 1 किलो दाल जो है मुफ्त में अगले 3 महीनों तक पहुंचाई जाएगी। 20 करोड़ महिलाओं तक जनधन अकाउंट में जो है 500 रुपये अगले 3 महीनों तक जो है वो लगातार पहुंचेंगे। उसके अलावा जो गैस सिलेंडर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 8 करोड़ गरीब फैमिलीज तक पहुँचेंगी। एम जी नरेगा में जो वेतन मिलता है वो 202 प्रतिदिन से बढ़ा जो 202 प्रतिदिन बढ़ा दिया गया है। आप समझें कि पहले 182 रुपये प्रतिदिन जो है वो मिलते थे एम जी नरेगा के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनको, अब इसे बढ़ाकर 202 कर दिया गया है, जिससे 13.62 लोगों को फ़ायदा मिलेगा, 13.62 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जो गरीब सीनियर सिटीजन हैं, विधवा हैं या दिव्यांग हैं, उन तक भी जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ है वो 1,000 रुपये तक जो है पहुंचाया जाएगा। इसमें भी 3 करोड़ ऐसे लोग जो हैं वो कवर होते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में फ्रंट लोडेड 2,000 रुपये जो है फार्मर्स को भी पीएम किसान योजना के तहत दिए गए हैं। 8.7 करोड़ फार्मर्स का इससे फ़ायदा हुआ है। साथ ही में जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनका भी वेलफेयर फंड बनाया गया है, उससे उन वर्कर्स को भी रिलीफ दिया जाएगा। 24% जो मंथली वेजेस हैं, यानी कि महीने के जो वेजेस मिलते थे वो भी उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अगले 3 महीने तक दे दिए जाएंगे, लेकिन इसमें वही लोग कवर होते हैं जिन्हें प्रतिमाह 15,000 से कम वेजेस मिलती थी और वो उन बिजनेसेस में काम करते थे जहां पर 100 से कम कर्मचारी हों। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि 5 करोड़ वो वर्कर्स जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत कवर्ड हैं उनके लिए भी नॉन रिफंडेबल एडवांस जो है 75% का, यानी कि जितना भी उनका प्रोविडेंट फंड अभी तक इकट्ठा हुआ है उसका 75% अमाउंट जो है जो नॉन रिफंडेबल एडवांस है वो उन्हें दिया जाएगा। और साथ ही में 3 महीने की वेजेस दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो उन्हें दिया जाएगा। कोलैटरल फ्री लेंडिंग की बात की है जो कि 10 से 20 लाख बढ़ा दी गई है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, यानी कि अगर आप फीमेल्स, आप महिला हैं, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है तो बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे, बिना कोई गारंटी दिए हुए, आपको पहले 10 लाख तक का जो है वो लोन मिल जाता था, अब आपको 20 लाख तक का लोन जो है मिल जाएगा। इससे 6.85 करोड़ हाउसहोल्ड जो हैं वो बेनिफिट होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी है जो है उसे भी सप्लीमेंट किया जाएगा, मेडिकल टेस्टिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या चीज़ें इस पैकेज में निकल के आई हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि जो IT रिटर्न फाइल करने की डेट है उसे जुलाई 31 से एक्सटेंड कर दिया गया है। अब IT रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट जो है वो नवंबर 30 है, तो वो सभी लोग जो परेशान थे कि उन्हें अपनी IT रिटर्न जो है भरनी है, अब परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसकी डेट को भी बढ़ाकर नवंबर 30 तक कर दिया गया है। उसके अलावा जो है विवाद से विश्वास स्कीम जो है उसे भी दिसंबर 31, 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि जितने भी पेंडिंग रिफंड्स हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के, नॉन कॉरपोरेट बिजनेसेस के, LLPs के और कोऑपरेटिव्स के, उन्हें इमीडिएटली प्रोसेस किया जाएगा, यानी कि जो टैक्स रिफंड पेंडिंग थे उन्हें इमीडिएटली जो है उनके खातों में डाल दिया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी अभी तक पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स थे उन लोगों के, जिनकी इनकम टैक्स जो है 5 लाख तक की थी, उन्हें उनके इनकम टैक्स रिफंड जो है इमीडिएटली दे दिए जाएंगे।
15,000 करोड़ रुपए जो है इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज के लिए भी सैंक्शन कर दिए गए हैं। अभी ये जो इनकम टैक्स रिटर्न दिया जाएगा, इससे ये कहा जा रहा है कि लगभग 14 लाख टैक्स पेयर्स का फायदा होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि RBI ने भी जो है एडवांस लिमिट स्टेज की वो 60% तक बढ़ा दी है और ओवरड्राफ्ट की ड्यूरेशन भी बढ़ा दी है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स हैं मैंने आप तक पहुंचाया, वो लोगों के खातों में वापस दे दिए जाएंगे। जो स्पेशल रिफंड है और ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव है वो कंडक्ट की जाएगी, जिस और आप भी जो है अपना क्लेम ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 15,000 करोड़ जो इमरजेंसी हेल्थ रिस्पॉन्स पैकेज के लिए दिया गया है उसमें क्या कुछ आता है। जी साथ ही मैं आपको बता दूं कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन जो है वो बिजनेसेस को और MSMEs को दिए जाएंगे, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। पहली बात तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन है उसे भी बदल दिया गया है। ये अब इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर बदल दिया गया है कि कौन लोग जो है वो एज MSME काउंट किए जाएंगे। वो भी मैं आपको बता दूं कि जहां तक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की बात है MFG एंटरप्राइजेस की बात है, माइक्रो एंटरप्राइजेस उनको गिना जाएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम होगी, स्मॉल एंटरप्राइजेस उन्हें गिना जाएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम होगी, मीडियम एंटरप्राइज उन्हें गिना जाएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होगी। जहाँ तक बात है सर्विस एंटरप्राइज की, जो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, जो सर्विसेज दे रहे हैं उनमें माइक्रो एंटरप्राइज है वो माना जाएगा उन एंटरप्राइजेस को जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है, स्मॉल माना जाएगा उनको जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम है, और मीडियम माना जाएगा उनको जिनकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम है। साथ ही में ये जो है ये इस वक्त हुआ करता था, अब जो रिवाइज कर दिया गया है डेफिनेशन को वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं। अब रिवाइज डेफिनेशन में माइक्रो एंटरप्राइज उनको माना जाएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, यानी कि बहुत बड़ी छूट दी है उन एंटरप्राइजेस को भी लॉकडाउन के चलते जिन्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा। तो अब वो सभी एंटरप्राइजेस जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस गिनी जाएंगी और उनका टर्नओवर जो है वो भी 5 करोड़ से कम का होना चाहिए। साथ ही में जहां तक बात है स्मॉल एंटरप्राइजेस की, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस उन्हें माना जाएगा जिनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों एंटरप्राइजेस के लिए ये कंडीशन सेम है। साथ ही में मीडियम एंटरप्राइजेस की जहां तक मैं बात करूं उसके लिए कहा गया है कि जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है उन्हें मीडियम एंटरप्राइज माना जाएगा, यानी कि पहले उन्हें लार्ज एंटरप्राइज माना जाता था और वो कई बेनिफिट्स जो MSMEs के लिए होते थे, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होते थे, वो सभी कंसेशन जो सरकार देती थी वो अक्सर वो एंटरप्राइजेस अवेल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो MSMEs की डेफिनेशन तक बदल दी गई है। और अब मैं आपको बता दूं कि इन MSMEs को क्या क्या फ़ायदा दिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, कई सारी इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, रॉ मटेरियल लेने में दिक्कत आ रही है, अपना बिजनेस दोबारा से शुरू करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो है वो इन बिजनेसेस को दी जाएगी। और बैंक्स जो है बैंक से और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से भी कहा गया है कि 20% जो है वो एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट इन्हें दिया जाए उन बोरोअर्स को जिनके अभी तक 25 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है और 100 करोड़ का टर्नओवर है, वो लोग इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि वो लोग इसे अवेल कर सकते हैं। और उन्हें लोन दिया जाएगा 4 साल के लिए जिसका 12 महीने का मॉरेटोरियम होगा प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो इंटरेस्ट है उसको भी कैप किया जाएगा, यानी कि फिक्स कर दिया जाएगा कि कहां तक आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। और 100% क्रेडिट गारंटी कवर जो है बैंक्स को और NBFCs को दिया जाएगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट में, यानी कि इन लोगों को भी कोई गारंटी फी नहीं भरनी है, कोई भी फ्रेश कोलैटरल नहीं भरना है और 31 अक्टूबर 2020 तक वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि 4 साल के लिए इन्हें लोन दिया जाएगा, 12 महीने का मॉरेटोरियम, 12 महीने तक इन्हें उस लोन की कोई किस्त नहीं भरनी है, उसके बाद भी जो इन्हें इंटरेस्ट भरना है उसके लिए भी एक परसेंटेज फिक्स की जाएगी
उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको भरना नहीं है। और ये स्कीम जो है 31 अक्टूबर 2020 तक आप अवेल कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि इक्विटी सपोर्ट भी उन MSMEs को देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये जो हैं वो सैंक्शन किए गए हैं। 20,000 करोड़ रुपये का डेट जो है इन्हें दिया जाएगा। इससे लगभग 2,00,000 माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का फ़ायदा होगा। और ये कहा गया है कि जो MSMEs जो कि NPA बन चुकी हैं या फिर स्ट्रेस है, यानी कि वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जिन्होंने कहीं से लोन लिया था बैंक से और अब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुकी हैं या फिर स्ट्रेस में चल रही हैं, उनके लिए वो पैसे दे पाना मुश्किल है, वो लोग एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। और सरकार जो है वो 4,000 करोड़ का जो है फ़ायदा इन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को देगी। तो ये किस फंड के तहत देगी वो भी मैं आपको बता दूं कि CGTMSE, इसके तहत जो है वो फ़ायदा जो है क्रेडिट गारंटी सपोर्ट इन माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। ये भी कहा गया है, बैंक से ये कहा गया है कि सरकार इक्विटी इन्फ्यूज करेगी इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में। 50,000 करोड़ का जो इक्विटी इन्फ्यूजन होगा उससे जो वर्किंग कैपिटल की डेफिशिएंसी है वो भी फुलफिल हो जाएगी और वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जिनके लिए इस वक्त बैंक की किस्त दे पाना मुश्किल है, लोन रिपे कर पाना मुश्किल है, जिनका अभी टर्नओवर जो है वो गिरता नज़र आ रहा है लॉकडाउन में, उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा है मदर फंड और डॉटर फंड के तहत जो है 10,000 करोड़ रुपये का जो कॉर्पस अमाउंट है वो सेटअप किया जाएगा और इन्हीं फंड्स के द्वारा इन माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में ये पैसे दिए जाएंगे। ये भी कहा गया है, सभी MSME से कहा गया है कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने में भी सरकार मदद करेगी। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। रियल एस्टेट के लिए भी कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसे 6 महीने बाद के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स 25 मार्च 2020 तक एक्सपायर हो जाने 25 मार्च 2020 तक रजिस्टर हो चुके हैं या फिर तब तक एक्सपायर हो जाने वाले थे, इंडिविजुअल एप्लीकेशंस जिन्होंने फाइल की हुई थी उनकी कंप्लीशन डेट को खुद ही उन्होंने 6 महीने बाद के लिए कर दिया है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मदद दी है कि उनके भी जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन का टाइम पीरियड 6 महीने बाद का कर दिया है, यानी कि 6 महीने की छूट उन लोगों को भी दी जाएगी। जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनसे ये कहा गया है कि जो बैंक गारंटीज है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए उसे पार्शली रिलीज किया जाए ताकि उन कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी कैश फ्लो बढ़े, उनके पास भी पैसा आए। उसके अलावा जो डिस्कॉम्स है डिस्कॉम्स के लिए भी पावर कॉरपोरेशंस के लिए भी फैसले लिए गए हैं कि पावर कॉरपोरेशंस भी इस समय में बहुत सफ़र कर रही हैं क्योंकि पावर कॉरपोरेशंस के पास भी इस समय पैसा जो है वो नहीं है। उन 94,000 करोड़ के पेएबल्स जो हैं वो पावर कॉरपोरेशंस के पास है इस वक्त, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद थी इसकी वजह से इन पावर कॉरपोरेशंस को जो फिक्स्ड पेमेंट मिलती थी वो नहीं मिल पाई, उन्हें भी 90,000 करोड़ का की जो मदद है वो सरकार कर रही है। सरकार का ये कहना है कि वो स्टेट गारंटीज को लोन देगी और स्टेट गारंटीज अपनी अपनी स्टेट में जो भी पावर कॉरपोरेशंस हैं उन तक ये पैसा पहुंचाएगा ताकि ये पावर कॉरपोरेशंस भी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएँ। इस तरीके की और भी कई सारे बेनिफिट्स जो है वो इस समय अनाउंस किए गए हैं। एक लिक्विडिटी पंच दिया गया है सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए जिन्हें 30,000 करोड़ तक के जो 30,000 करोड़ तक का जो पैकेज है वो दिया गया है। ये कहा गया है कि उन्हें जो जब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस किसी को भी लोन देते हैं तो ये सरकार ने कहा है कि सरकार उस लोन की गारंटर बनेगी, यानी कि अगर ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस उन लोगों को पैसे नहीं दे पाए या उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को पैसे नहीं लौटा पाए तो सरकार गारंटर बनेगी और सरकार वो पैसा जो है वो रीइंबर्स करेगी। ऐसे 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है वो भी सरकार ने लाई है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट देने के लिए जो है सरकार ने फैसला लिया है। और साथ ही में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला जो और लिया है वो ये है कि ग्लोबल टेंडर्स 200 करोड़ से ऊपर के ग्लोबल टेंडर्स जो हैं वो अब इंडिया में अलाउड नहीं होंगे। ये एक स्टेप लिया गया है जिससे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा गया है वो पूरा हो सके। और ये कहा है
कि लोकल ब्रांड्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की ये कोशिश है। 200 करोड़ से ऊपर की जो भी प्रोक्योरमेंट्स होगी वो सरकार इंडिया में ही जो कंपनीज काम कर रही हैं उन्हीं को देगी, किसी भी ग्लोबल कॉरपोरेशन को नहीं देगी। आप समझें कि अभी तक के लिए जो इंडिया में इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जब टेंडर्स ग्लोबली निकलते थे तो फॉर्म में कई ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका जिनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो कम कॉस्ट पर भी कमोडिटीज सरकार को दे पाते थे। इसकी वजह से ये जो फ़ायदा है ये किसी इंडियन इंडस्ट्री को होने के बजाय किसी फॉरेन इंडस्ट्री को हो जाते थे। अब ये कहा गया है कि ग्लोबल टेंडर्स, अगर कोई भी टेंडर 200 करोड़ से ऊपर का है तो उसका टेंडर ग्लोबली नहीं होगा, इंडिया में ही उसका टेंडर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी और डेवलपमेंट है जो दिया गया है। तो अभी तक तो इतनी ही अपडेट्स आई हैं, उसके अलावा भी और अपडेट्स आती जा रही है। मैं चाहूँगी कि अगर मेरे पास कुछ आया तो मैं आपको आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कैंटीन्स में और स्टोर्स में ये कहा गया है कि 1 जून 2020 से केवल वही प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे जो कि इंडिजिनस हो। इंडिजिनस से मतलब जो कि उसी इलाके में बनाए गए हों, या तो भारत के किसी भी स्टेट में अगर कहीं पर भी ये कैंटीन और स्टोर्स हैं वहाँ पर वही सामान बेचा जाएगा जो सामान उसी इलाके में बनाया गया हो। फॉरन कोई भी ब्रांड जो है वो वहाँ पर नहीं बेचा जाएगा। इंडिया के बाहर की किसी कंपनी का कोई भी सामान जो है वो वहाँ पर नहीं बेचा जाएगा, ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर कोशिश ये नहीं की जा रही कि इंडिया को फाइनेंशियली सिक्योर किया जाए। मैं आपको बता दूं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ट्वीट करके ये भी कहा था कि कोशिश ये नहीं है कि आइसोलेशनिज्म हो, एक्सक्लूजनिज्म हो, यानी कि इंडिया बाकी कंट्री से आइसोलेट होकर रह जाए या हम किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि हम अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाएं, अपने लोगों में स्किल्स जो हैं वो बढ़ाएं और साथ ही में अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि हम ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकें। हम चाहते हैं कि लोकल से शुरुआत करें और जो लोकल ब्रांड्स हैं उन्हें ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जाए, और यही कोशिश जो है वो की जा रही है इस फाइनेंशियल पैकेज के द्वारा। जिस फाइनेंशियल पैकेज में चाहे वो कोई स्ट्रीट वेंडर हो, यानी कि कोई रेडी फड़ी चलाने वाला हो, उसे भी एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। कोई छोटा कारोबारी है उसे भी एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है। माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उन्हें जो है सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भी इस लॉकडाउन के बाद भी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएं और इस लॉकडाउन के दौरान भी वो एकदम ख़त्म ना हो जाएं। आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी सर्वाइव कर सकती हैं क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी है। लेकिन जो छोटा कारोबारी होता है उसके लिए दोबारा से अपना बिजनेस शुरू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस समय तक जो सेविंग्स है और जो अभी तक का रेवेन्यू उनका इकट्ठा हुआ होता है वो ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुका होता है। ये कहा गया है कि एक ऑनेस्ट टैक्स पेइंग मिडिल क्लास जो है उसे भी सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और जो भी लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कमोडिटीज़ को उन्हें भी मदद की जा रही है। ये केवल एक फाइनेंशियल पैकेज नहीं है बल्कि एक रिफॉर्म स्टिम्यूलस है, यानी कि जो मेक इन इंडिया की बात की जा रही थी, जो आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें रिफॉर्म लाया जाए। इस रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा पहलू ये भी है कि अब ग्लोबल टेंडर्स जो है वो 200 करोड़ से ऊपर के अलाउ नहीं किए जाएंगे। एक और जो मैंने आपको बताया है कि जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न्स की, वो भी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की 31 जुलाई से एक्सटेंड कर दी गई है। 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2020 तक जो है अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और जो टैक्स ऑडिट है उसकी डेट भी जो है वो शिफ्ट कर दी गई है। टैक्स ऑडिट 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक होगा। तो इससे भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो ऑनेस्ट टैक्स पेइंग पीपल है उनकी मदद होगी ताकि उनके ऊपर इस समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो है वो प्रेशर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं उसके अलावा और क्या क्या जो है मेजर्स लिए गए हैं। चार जी, मैंने आपको बताया कि 20,000 करोड़ की जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो उन सभी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दी जाएंगी जो कि या तो एनपीएस बन चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं, यानी कि जिनकी क्रेडिट स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है या उनकी जो इस समय स्ट्रेस्ड है। सरकार जो है सीजीटीएमएससी जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उस फंड के तहत जो है 4,000 करोड़ रुपए इन सभी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज में इन्फ्यूज करेगी। और साथ ही में वो जो एलिजिबल होंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, वो एमएसएमईज जो एलिजिबल होंगे इस नई डेफिनेशन के मुताबिक, उन्हें जो है 10,000 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट भी उनके लिए दिया गया है, जो कि मदर फंड और डॉटर फंड फ्रेमवर्क से दिया जाएगा। और इससे जो है उनकी कैपेसिटी एमएसएमईज की बढ़ाई जाएगी, जिससे उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर होने में मदद मिलेगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है अपडेट्स इस मामले में आती जा रही हैं। जो TDS है उसके मैं बता दूं कि उसमें उसके रेट में भी रिडक्शन आई है टैक्स पेयर्स के पास, ताकि इस समय फंड ज़्यादा हो इसके लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS, वो भी उनके लिए जो नॉन सैलरीड पेमेंट्स है, जो कि उसमें भी उसे 25% तक रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, इन सभी का जो रेट है TDS का रेट है उसे 25% कर दिया गया है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रेट होगा उससे 25% जो है इस रेट को कम कर दिया गया है। ये रिडक्शन जो है ये कहा गया है कल से शुरू हो जाएगी, और कल से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये रिड्यूस TDS जो है वही लागू होगा। इसे कहा है कि 50,000 करोड़ का रिलीफ जो है वो मिलेगा लोगों को। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता रही थी कि जो डिस्कॉम्स हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशंस हैं, उनके क्योंकि रेवेन्यूज जो हैं वो गिर चुके हैं, कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, जो पेएबल्स हैं इन पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज की वो 94,000 करोड़ थी, और 90,000 करोड़ का इसमें जो है लिक्विडिटी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है। उन्होंने कहा है कि स्टेट गारंटीज को सिर्फ इसीलिए ये पैसा दिया जाएगा ताकि वो इन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो पैसे हैं वो उन तक पहुंचा सकें। और ये कहा गया है इससे फाइनेंशियल और ऑपरेशन लॉसेस जो हैं वो इन कंपनीज के कम हो जाएंगे। इन डिस्कॉम्स को जो है वो रिबेट भी दी जाएगी, जो रिबेट इन्हें आम लोगों तक पास ऑन भी करनी है, यानी कि अगर इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिलीफ दिया जाएगा, 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी इनमें दी जाएगी, तो उन्हें रिबेट भी दी जाएगी, और वो रिबेट इन्हें इंडस्ट्रीज को भी देनी पड़ेगी, तो ये इंडस्ट्रीज के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रोविडेंट फंड को लेकर क्या कुछ कहा गया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को लेकर भी ये कहा गया है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों 12% तक जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते थे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, अब जो है उसका परसेंटेज भी कम कर दिया गया है। अगले 3 महीने तक सभी एस्टेब्लिशमेंट्स में 10% जो रेट है वो प्रोविडेंट फंड का होगा, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी 12% नहीं 10% ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साथ ही में ये कहा है कि लेकिन जो सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या फिर स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% ही रहेगा, यानी कि जो सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं सरकार जो है वो 12% कंट्रीब्यूट करती रहेगी, लेकिन जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी अब केवल 10% जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। साथ ही में कहा है कि ये स्कीम उन लोगों पर एलिजिबल नहीं है जो लोग 24% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत और उसकी एक्सटेंशन के तहत। इससे ये कहा गया है कि 6.5 लाख एस्टेब्लिशमेंट्स की मदद होगी और 4.3 करोड़ एम्प्लॉयज़ को रिलीफ मिलेगा, और साथ ही में लिक्विडिटी जो इन्फ्यूज होगी वो होगी 6,750 करोड़, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपको अपनी सैलरी में से 12% की बजाय 10% ही केवल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वो 2% जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो कैश फ्लो जो है वो आपके पास मेंटेन रहेगा, ये कोशिश की है सरकार ने। साथ ही मैं बता दूं कि और भी अगर कोई अपडेट आ रही है वो भी आप तक पहुंचा दूं।
ये कहा गया है कि एक बार इकोनॉमी जब किक स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं उससे उसकी वजह से स्टील की डिमांड जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में वापस आ जाएगी, ऐसा चेयरमैन SAIL अनिल चौधरी ने कहा है। तो फिलहाल अभी तक इस पैकेज में इतनी ही अनाउंसमेंट्स की हैं, और भी डिटेल्स आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़रूर जुड़ें। फिलहाल जो है तीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ये कि अब इनकम टैक्स फाइल करने की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है, अब आपको इंतज़ार करना है, अब आप वेट कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2020 तक टैक्स फाइल करने के लिए। साथ ही में TDS रेट को भी 25% तक कम कर दिया गया है। और अब उन सभी लोकल ब्रांड्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की कैंटीन में और स्टोर्स में जो है इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, लोकली बनाए हुए प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएंगे। तो फिलहाल इस लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, और भी कोई खबर होगी तो आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे।